कोई क्लू नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार से आप यानी कि सोच नहीं पा रहे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, उसको आप यानी कि फॉलो कर सकते हैं, वो है एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आपके चार ऑप्शन होते हैं, उन चार ऑप्शन में से हेलो स्टूडेंट्स, आप 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में 23 जून संडे को शामिल होने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, आप यानी कि अपने तैयारी को अंतिम रूप देने जा रहे होंगे, लेकिन अब आपको क्या करना है और एग्जाम से पहले क्या नहीं करना है और एग्जाम हॉल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको जितना भी आपने साल भर पढ़ा हुआ है, आप कुछ भी नया ना पढ़ें, उसी पुराने पढ़े हुए चीज़ों को ही आप रिवाइज करें और बहुत ही कूल हो करके पढ़ाई करें, एकदम हड़बड़ी में ना रहें, जिससे कि आपको यानी कि आता हुआ भी आप ना भूल जाएं। इसके लिए है कि आप एग्जाम वाले दिन की रात्रि को आप पूरी अच्छी नींद लेकर के जाएं और पूरी तरह से आप यानी कि मन मस्तिष्क से आप निश्चिंत होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के आप एग्जाम हॉल में जाएं। जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो वहां पर बिल्कुल आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर ये फील लेकर के आए कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, और पेपर को आप पढ़ना स्टार्ट करें, और जैसे जैसे आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं तो उनको अपने पेपर में टिक करते जाएं। एक फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं उन सभी को पेपर में आप मार्क कर लीजिएगा और फिर उसको यानी कि OMR शीट पर भी आप फिल कर लें। इसके बाद उस पेपर को सॉल्व करते समय यदि कोई हार्ड क्वेश्चन जो रह गए थे जितने भी, उनको सेकेंड राउंड में आप पढ़ें और उसमें आप यानी कि एक प्रॉपर जो मेथड होता है उसको आप यानी कि फॉलो कर सकते हैं, वो है एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आपके चार ऑप्शन होते हैं, उन चार ऑप्शन में से पहले आप यानी कि वो ऑप्शन हटा दीजिएगा जो बिल्कुल कैसे भी दूध होता है उसका वास्ता नहीं होता है, तो वो आप यानी हटा दिया। उसके बाद मान लीजिए दो ऑप्शन आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें आप बहुत बड़े कंफ्यूज हैं, तो आप अपने पुराने जो ज्ञान को आधार बना करके जो आपको सबसे सटीक लग रहा है उसका आप आंसर टिक कर दीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही कठिन है और जिनमें आपको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है, तो उनके आप तुक्के कैसे लगाएं? एग्जाम में तुक्के लगाने का भी एक तरीका होता है, यानी कि आप जो जिस क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए आंसर, तो उसका आप आंसर कैसे दें, उसमें कुछ मैं आपको खास बात बताता हूँ। यदि किसी भी क्वेश्चन में आंसर डी में ज्यादातर होता है उपरोक्त सभी और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप यानी कि उसको उपरोक्त सभी को लगा दीजिएगा, आपके ज्यादातर यानी कि क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएंगी। इसके बाद यदि आपका कोई क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन डी में लिखा हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं की भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका आप आंसर लगा लीजिए। यदि आपको चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं आ रहा है, कहीं दूर दूर तक अंदाजा नहीं है, तो आप अधिकांशतः बी या सी आंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, तो आप बी और सी में से आंसर लगा दीजिएगा। और यदि बी और सी में से भी आपको यदि चूज करना पड़े तो मेरे हिसाब से आप सी को आंसर लगा दीजिएगा, तो संभावनाएं बहुत ज्यादा आपके सही होने की बढ़ जाती हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई आइडिया नहीं है और चार ऑप्शन में से जो बड़ा ऑप्शन दिखाई दे आपको, तो उसको आप लगा दीजिएगा, उसके भी सही होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अंतिम क्षण में जब आपको यानी कि बिल्कुल भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार से आप यानी कि सोच नहीं पा रहे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मैंने आपको तुक्का लाने के तरीके बताए, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने कहा ना रेयर केसेस में ही करना है। पहले आपको अपने ज्ञान का पूरा सदुपयोग करना है, जितनी आपकी जानकारी है उस जानकारी का आप पूरा इस्तेमाल करें और सही तरीके से आप आंसर टिक करें, एलिमिनेशन मेथड का प्रॉपर यूज करें और अंत में जाकर के ये तुक्का पद्धति का उपयोग करें। थैंक यू।